हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नियत और क्या इंपोर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं, और उसी के साथ साथ होने वाले कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और दो आईपीओ की लिस्टिंग यानी कि मेन लाइन आईपीओ बांसल वायर एंड एमक्योर फार्मा, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 1416 करोड़ की बाइंग करी है और एफआई ने 314 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं यानी कि बांसल वायर एंड एमक्योर फार्मा की, तो पर्सनली मुझे यहाँ पर इतनी बैड लक चल रहा है कि मेरा इस टाइम पे आईपीओ में कि मुझे कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हो रहा है। बट कोई बात नहीं, जब भी होना होगा हो जाएगा, जब भी किस्मत खुलेगी खुल जाएगी। बट पर्सनली अगर ये आईपीओ मुझे भी अलॉट हुए होते तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। दोनों ही आईपीओ में सेम स्ट्रेटेजी कि जैसी जो दोनों आईपीओ लिस्ट होते हैं वहां पर मैं 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करता और बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट या 1 घंटे के लोग पर ट्रेड करने की कोशिश करता। ये इसमें मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये दोनों आईपीओ मेरे पास होते। However, एमक्यू फार्मा का जीएमपी 36% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है और वहीं पर बांसल वायर का 27% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। बट आप लोग अपने रूल्स, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाइएगा। और उसी के साथ साथ जिन भी लोगों को ये आईपीओ स्लॉट हुए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो हमारी ये बात थी कि जैसे इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है और सस्टेन करता है तो हमें वहां पर ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। जहां पर मार्केट गया सस्टेन किया और हमारी एंट्री हुई और फिर से हमें वहां पर एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए जो पहला सपोर्ट एरिया होने वाला है 24,350 का लेवल, यही हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट एरिया होने वाला है। ऊपर की साइड अगर गैप अप खुल जाता है तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर मार्केट हमें इस लेवल पर देखने को मिलती है तब हमारी वहां पर एक एंट्री हो सकती है छोटे से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और मेजर सपोर्ट हमारे पास अभी भी 24,180-190 की हमें देखने को मिलने वाली है। बट अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हमारे अगेंस्ट वो ट्रेड जाती है तो हमें वहां पर ज्यादा लॉस ना हो। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं, फिर भी हमने यहाँ पर जितनी भी चीजों को डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग एंड केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।